Assalamu alaikum to all my dear students of SGMES Boys English Medium Primary School. How are you all my dear students? I hope you are fit and fine at your home. Now dear students, हमने जो है आपको books allocate कर दी है. अब please listen to me very carefully. जिन parents ने टेक्स्ट बुक्स यहाँ से ले चुके हैं, अब से आपको ग्रामर का कोई भी कंटेंट नोटबुक में नहीं करना है. और जिन पेरेंट्स को अभी तक का यहाँ से बुक्स कलेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि बुक्स हमारी फिनिश हो चुकी है, जिनका भी कंटेंट बाकी है वो नोटबुक में लिखाएं. क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आपके फ़ोन प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं और आपसे मिस हो जाता है. फिर आप कहेंगे मैम ये बाकी है वो बाकी है, तो इसके लिए अच्छा यही होगा कि आप आपकी इंग्लिश की नोटबुक के अंदर इस चीज़ को अभी भी लिखने की वर्क जो पहले से था उस तरीके से लिखते रहे. ओके, सो अभी जो है हम स्टार्ट करें हमारी इंग्लिश 2 जेड्स रिफर करते हैं ग्रामर लैंड बुक. इसमें मैं पंक्चुएशन में लेसन नंबर 2 करवा रही हूँ, दैट इज़ कैपिटल लेटर्स. हमने लेसन नंबर 1 में पंक्चुएशन का जो हमारा सेशन है ग्रामर लैंड में, इसमें मैंने लेसन नंबर 1 में आपको बिगनिंग का कैपिटल लेटर्स होना चाहिए, किन किन वर्ड्स के कैपिटल लेटर्स होना चाहिए, ये सब मैंने आपको स्टडी करवा दिया था. इसी में हम थोड़ा अभी आगे ब्रीफ थोड़ा जाएंगे. ओके, सो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन नंबर 2, कैपिटल लेटर्स. वी ऑल्सो बिगेन दिस विद अ कैपिटल लेटर. ठीक है, अभी हमें ये देखना है कि किन किन चीज़ों के लेटर्स स्टार्टिंग में कैपिटल्स होते हैं. हमने लास्ट में ये स्टडी करा था कि हमारा फर्स्ट जो लेटर होता है सेंटेंस का वो कैपिटल होना चाहिए. ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए. इतना हमने स्टडी करा था. अब हमें देखना है कि और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल फॉर्म में होने चाहिए. ठीक है, फर्स्ट लेटर नेम्स ऑफ पीपल, किसी के भी इंसान का नाम है, शिखा, हैरी पॉटर, सो इनके जो भी नेम है, जैसे आपका नाम अयान है या साद है या रऊफ है, जो भी है, सो उसका जो पहला वर्ड है अयान का ए, साद का एस, रऊफ का आर, सो वो आपका फर्स्ट जो लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल फॉर्म में होगा. सेकंड, नेम्स ऑफ प्लेस, प्लेस का नेम, जैसे आप इंडिया है, इंडिया तो कंट्री है, कंट्री के नेम, सिटी के नेम्स, प्लेसेस के नेम्स, इन सभी चीज़ों के फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. जैसे सूरत है तो आप सूरत लिख रहे हो तो SURET सूरत, तो एस कैपिटल होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, जैसे इंडिया, हैदराबाद, ओके, जू बीच. ओके, नाउ नेक्स्ट, नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, आपको डेज ऑफ अ वीक, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जब भी आप डेज लिखेंगे कहीं पे भी, किसी भी फॉर्म में या किसी भी जगह पर आपको अगर डे लिखना है तो उसका फर्स्ट लेटर शुड बी इन अ कैपिटल फॉर्म. देन आया नेक्स्ट हमारा मंथ. हम जैसे मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक ईयर में हमारे 12 मंथ्स होते हैं. जब भी आपको कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में नोटबुक में कहीं पर भी आपको अगर मंथ लिखना है तो द फर्स्ट लेटर शुड बी इन अ कैपिटल फॉर्म. द वर्ड आई, राहुल एंड आई गो टू द पार्क, जहाँ पे भी सेंटेंस में अगर आप सिंपल सिर्फ सिंगल आई लिख रहे हैं, आई मायसेल्फ गोइंग टू द म्यूजियम, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, आई रीच स्कूल ऑन टाइम, आई एम गोइंग फॉर अ शॉपिंग, जहाँ पर भी आप आई वर्ड सेंटेंस में यूज़ करेंगे, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे वो बिगिनिंग में हो, चाहे वो एंडिंग में हो, सेंटेंस में जब भी सिर्फ आई वर्ड यूज़ होगा वो कैपिटल फॉर्म में होगा. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आई, ये सिंगल है. आई किसके लिए रिफर होता है, हमारे लिए. जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं जाने वाला हूँ, मैं जाऊँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, सो आई विल गो टू स्कूल. मैं की जगह जो आप गुजराती में वर्ड यूज़ करते हैं कि मैं, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है आई. अब हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, री राइट दिस सेंटेंसेज यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप. सी यहाँ पे सेंटेंसेज दिए हैं आपको 5. आपको फर्स्ट जो हमारा लेटर है, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है कैपिटल लेटर का, उसे माइंड में रखना है. और पंक्चुएशन के हिसाब से जो हमारा सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आना चाहिए वो आना चाहिए. जैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन, सारास बर्थडे इज इन जनवरी. ठीक है, तो सारा जो इसका गर्ल का नेम है उसका फर्स्ट लेटर हमने एस कर दिया है और जनवरी का चाहिए हमारा फर्स्ट कैपिटल में. ठीक है, और फिर लास्ट में सेंटेंस के फुल स्टॉप. ऐसे यहाँ पे हमारे 4 सेंटेंसेस है, द कैट क्लाइम्स अप द ट्री, क्रिश एंड गैना आर इन जोधपुर, वी डू नॉट हैव स्कूल ऑन वेनसडे, दे वेन आई आर एट द जू. ये 4 सेंटेंसेस है. ठीक है, मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप इसमें से अपने माइंड में मेमोराइज कीजिए कि किस किस वर्ड को, कौन कौन से वर्ड्स का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए. ओके, मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ.
ओके नाउ टाइम इज अप, आपने मेमोराइज कर लिया. नाउ सी द आंसर्स, हम आंसर्स देखते हैं. मैच कीजिए कि आपका मैच सेम, यही आपने अपने माइंड में रखा था. ओके अगर नहीं किया था तो कोई बात नहीं, आप प्लीज ट्राई कीजिए, ये एक्टिविटीज आपके माइंड को और ज्यादा एक्टिव बनाएंगे. ठीक है, हमारा नंबर टू था द कैट क्लाइम्स अप द ट्री. तो द में जो हमारा फर्स्ट टी है वो हमारा कैपिटल आएगा, रेस्ट ऑफ ऑल सेम इसी तरह लिखना है स्मॉल लेटर्स में और लास्ट में फुल स्टॉप. सेकेंड क्रिश एंड गायना, तो गायन इसमें जो है क्रिश का के और गायना का जी हमारा कैपिटल आएगा, एंड जोधापुर जो कि प्लेस है उसका जे. लेस्ट ऑफ ऑल सेंटेंस शुड बी इन द स्मॉल एंड लास्ट में फुल स्टॉप. नंबर फोर, वी डू नॉट हैव स्कूल ऑन वेनसडे, सो वी का कैपिटल में स्टार्ट में आएगा वी और वेनसडे का डब्ल्यू. रेस्ट ऑफ ऑल इन द स्मॉल फॉर्म एंड ऑफ द फुल स्टॉप. डेव एंड आई आर एट द जू, तो डेव का डी कैपिटल आएगा, और मैंने कहा था जब भी आई सेंटेंस में आए चाहे वो स्टार्टिंग में मिडल में या एंड में, आई आपको कैपिटल में लिखना है. ठीक है, और प्लेस का है जू, क्योंकि एक स्पेसिफिक प्लेस है, हर जगह को हम जू नहीं कहते, जहाँ गार्डन वगैरह है घूमने जाते हैं एनिमल्स होते हैं उसको जू, तो उसका जेड कैपिटल आएगा. ठीक है, डे वेन आई आर एट द जू, सो इसमें डी आई और जेड कैपिटल है. रेस्ट ऑफ ऑल इन स्मॉल फॉर्म्स एंड लास्ट में फुल स्टॉप. ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन फिनिश हो गया. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन बी इज सर्कल द वर्ड्स विच शुड बिगेन विद अ कैपिटल लेटर्स. अब यहाँ पे सारे वर्ड्स उसने, ठीक है, फुल स्टॉप सब सेंटेंस के लास्ट में, हमें फुल स्टॉप नहीं करना है, बट हमें वो वर्ड्स को ढूंढना है और उन्हें सर्कल करना है जिनके नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. जैसे यहाँ पे हमारे नंबर वन पे दिया है माई कजिन लिव इन मुंबई, तो माई हमने क्योंकि एम पहला स्टार्टिंग वर्ड है तो कैपिटल होना चाहिए, इसने स्मॉल में लिखा है तो इसे सर्कल किया, और मुंबई क्योंकि एक स्पेसिफिक सिटी का नाम है इसके लिए उसे भी सर्कल किया क्योंकि एम क्या आना चाहिए कैपिटल. सिक्स फाइव रिमेनिंग सेंटेंसेज हैं, इसके आपको करना है. ठीक है, मैं रीड कर देती हूँ. नंबर टू, वी हैव अ हॉलीडे ऑन ट्यूजडे. नंबर थ्री, नेहाज बर्थडे इज ऑन 14th मार्च. नंबर फोर, जुई एंड आई लाइक काशीड बीच. नंबर फाइव, रितु गोज टू जयपुर टू मीट रिया. नंबर सिक्स, राजू इज गोइंग टू पूना ऑन फ्राइडे. ओके, सो अब मैं आपको 10 seconds दे रही हूँ, आप मेमोराइज कीजिए अपने माइंड में कि आपको कौन कौन से लेटर्स को कैपिटल फॉर्म में करना है. नाउ द टाइम इज अप. ठीक है, मूव टू द सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशंस देख लेते हैं. मैच कीजिए आपके आंसर्स. ठीक है, सी नंबर टू में आएगा वी. ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग है. सी हर सेंटेंस का जो बिगिनिंग है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा. नेक्स्ट यहाँ पे ट्यूसडे डे का नाम है, मार्च मंथ का नाम है, काशी बीच प्लेस का नाम है, जयपुर सिटी का नाम है, रिया लड़की का नाम है, पूना सिटी का नाम है, फ्राइडे वीक में आएगा. सो इन वर्ड्स को जो है हम उसके फर्स्ट जो लेटर्स है उसे हम कैपिटल करेंगे. तो हमें कैपिटल में करना नहीं है, जस्ट हमें क्या करना है, उन वर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ सर्कल करना है और कुछ नहीं. सो ये कंटेंट्स आज आप करेंगे आपकी ग्रामर लैंड की टेक्स्ट बुक में. जिन जिनके पास ग्रामर लैंड की टेक्स्ट बुक आ चुकी है, जिनके पास ग्रामर लैंड की टेक्स्ट बुक नहीं आई है, प्लीज़ ये कंटेंट्स आप अपनी नोटबुक में इंग्लिश के लिखिए. ओके बेटा, सो अपने हमारी स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए. ओके, और आपकी जितने भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी है, सो आप 9 से 12 में मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़.